भारत की दुनिया में बढ़ती साख और विकास की तेज रफ्तार देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने पूछा कि कब तक हम समझौता करेंगे, कब तक हम सांसद चुने जाने के लिए बाहरी ताकतों से मदद मांगते रहेंगे। उन्होंने 2018 और 2024 दोनों चुनावों में चुनावी धांधली की निंदा की है। रहमान ने स्वतंत्र रूप से कानून बनाने में कानून निर्माताओं की कथित शक्तिहीनता पर अफसोस जताया है। उन्होंने सवाल किया, इस सदन में बैठते समय हमारी अंतरात्मा कैसे साफ हो सकती है, क्योंकि हारने वाले और जीतने वाले दोनों संतुष्ट नहीं है। मौलाना ने कहा, हमने अपने देश को ठहराव का शिकार बना दिया है, ऐसा देश प्रगति नहीं कर सकता। जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान और इमरान खान की पार्टी ने इस साल फरवरी के महीने में हुए आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। दोनों पार्टियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि शहबाज शरीफ ने 6 दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें जमीयत उलेमा को शामिल नहीं किया गया था। बता दें कि JUI एक पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेतृत्व वाली सरकार का प्रमुख हिस्सा था, जो अविश्वास मत के जरिए PTI सरकार को गिराने के बाद सरकार बनाई थी। PTI के समर्थकों ने इमरान खान को जेल होने के विरोध में बीते सप्ताह कराची भर में रैलियां निकालकर न्यायपालिका से मांग की थी कि भ्रष्ट अधिकारियों पर ध्यान दें।